दरेक जाति का अलग अलग शमशान भूमि है बरोबर। हमारी जाति वाल्मीकि जाति है, इसलिए शमशान भूमि अलग रखवाया है। भारत एक जाति प्रधान देश है, यहाँ जाति मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। यहाँ उनके लिए अलग से शमशान घाट है, इसमें भी दलितों की एंट्री नहीं है। तो ये सिर्फ इन्हीं जातियों के लिए बनाया हुआ शमशान उन्होंने अपनी जाति का बना लिया। हाँ, अपनी जाति का ही बना लिया। मरने के बाद भी आपकी लाश को जाति के हिसाब से अलग रखा जाएगा। और ये जगह जो है मार्किंग के लिए पत्थर लगाया गया है, क्योंकि ये हितल की कब्र है छोटी बच्ची की। आप भले ही मर गए हों, लेकिन आपकी जाति कभी नहीं मरती। बाकी लोग नहीं आ सकते? नहीं बीजी, बाकी दलित हम नहीं आ सकते हैं अंदर। दलित को हम अंदर नहीं आ, नहीं आ सकते। जाति है कि जाति नहीं। गुजरात के बनासकांठा जिले के होडा गांव में जातियों के हिसाब से सिर्फ बस्तियां ही नहीं बटी हुई हैं, बल्कि जातियों के हिसाब से शमशान घाट भी बटे हुए हैं। यहां जातियों के नाम के हिसाब से अलग अलग शमशान घाट बने हैं। दलित सवर्णों के शमशान घाट में नहीं जा सकते तो पटेल ठाकुर जाति के, जिसकी जो जाति है वही उसका अंतिम संस्कार होगा। गुजरात चुनाव यात्रा के दौरान द न्यूज वीक की टीम होडा गांव पहुंची, जहां गांव के डिप्टी सरपंच नरेश ने हमें हैरान कर देने वाली सच्चाई से रूबरू कराया। नरेश ने हमें बताया कि उनके गांव में दलितों के लिए अलग से शमशान घाट है और बाकी जाति के शमशान घाटों में उनकी एंट्री बैन है। तो नरेश भाई, मैं जैसा आपसे पूछ रहा था कि ये अलग इंतजाम क्यों किया गया है? जनरली गांव में होता है कि शमशान घाट एक होते हैं जहां सबका अंतिम संस्कार होता है, आपके यहां अलग क्यों है? अलग इसलिए है कि हम दलित जाति आते हैं, इसलिए हमारा शमशान भूमि अलग करवाया है बराबर। और उसने दरेक जाति का अलग अलग शमशान भूमि है बराबर। हमारी जाति वाल्मीकि जाति है, इसलिए शमशान भूमि अलग रखवाया है। नरेश बताते हैं कि उन्होंने दलितों के लिए ये जमीन भी लंबे संघर्ष के बाद हासिल की। उनके गांव में आज तक ओबीसी और सवर्णों के शमशान घाट में किसी दलित का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। कभी क्या बाकी शमशान घाट में कभी किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ आपकी जाति के लोगों? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हुआ। क्या बोलते हैं वो लोग? वो तो कुछ नहीं बोलते, पर हम इसकी शमशान भूमि में जाते ही नहीं है। जाते ही नहीं? नहीं। क्यों नहीं जाते? हमारी क्या ये सब की कास्ट है, ये जब चौधरी पटेल है, जब ब्राह्मण है, प्रजापति है, सब जाति की अलग अलग है शमशान भूमि। ये हमारी जाति वर्षों से ये जाति ये शमशान भूमि वही है। लेकिन अगर कोई करना चाहे वहाँ जाके, अगर किसी की मौत हो जाती है जो कि दुखद होगा, लेकिन अगर कोई वहाँ अंतिम संस्कार करना चाहे, क्योंकि मरने के बाद तो सब लोग खाक हो जाते हैं ना, तो क्या कोई जा सकता है वहाँ पे? नहीं, वो जाने नहीं देते हैं। वो क्या है, वो शमशान भूमि हमको जाने नहीं देता ना, हम जाते ही नहीं है सालों से, नहीं जाने देते। नहीं। इस रिपोर्ट में हम आगे आपको सवर्णों और ओबीसी समाज के शमशान घाट में भी लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप दलितों के शमशान घाट की हालत को समझिए। होडा गांव के दलित अपने शवों को जलाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें दफना देते हैं। जातिवाद की सदियों पुरानी प्रथा के कारण मुमकिन है कि उनके पूर्वजों ने ये रास्ता अपनाया हो। कुछ समय पहले 2 साल की बच्ची हेतल की मौत हो गई थी, लेकिन उसे इतनी कम उम्र में भी जाति का सामना करना पड़ा। ओबीसी और सवर्णों के शमशान घाट में उसके लिए नो एंट्री थी, इसलिए उसे दलितों के लिए रखी गई जमीन पर ही दफना दिया गया। ये जो पत्थर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पत्थर के नीचे एक छोटी बच्ची के शव को दफनाया गया है। ये कब्र है और उस बच्ची का नाम था हेतल, जो करीब 2 साल की थी जिसे यहाँ पर दफनाया गया। और ये जगह जो है मार्किंग के लिए पत्थर लगाया गया है, क्योंकि ये हेतल की कब्र है छोटी बच्ची की। और मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वो एक शमशान घाट है, और मैं इस वजह से यहाँ पर हूँ कि भारत में चूंकि जातियाँ इतनी अहम भूमिका निभाती हैं, लोगों की रगों में, उनकी पहचान में जातियाँ दौड़ती हैं,
कि दो साल की बच्ची हेतल जब उसका कहें कि उसका निधन हो गया, उसका देहांत हो गया, तो उसको यहाँ पर दफनाया गया क्योंकि वो दलित बैकग्राउंड से आती है, दलित जाति से आती है, भंगी जाति जिसे वाल्मीकि आप लोग कहते हैं उस जाति से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए उसको यहाँ दफनाया गया। मैं इस वक्त गुजरात में हूँ, गुजरात चुनाव यात्रा पर निकला हूँ, लेकिन गुजरात में जाति कैसे काम करती है और कैसे जाति के लिहाज से समाज को बांटा गया है, मरने के बाद भी जातियाँ जो हैं पीछा नहीं छोड़ती, उसमें जातियों का हिसाब से अंतिम संस्कार होता है, जातियों के हिसाब से सारा लेन देन कामकाज होता है, इसी को जानने के लिए हम यहाँ बनासकांठा ज़िला है उसके हुडा गाँव में आए हैं। दलितों के शमशान घाट में कब्रों की पहचान के लिए हर कब्र के ऊपर कैक्टस का एक पौधा लगा दिया जाता है। जैसे कैक्टस के पौधे में अनगिनत कांटे हैं, वैसे ही दलितों की जिंदगी में भी जाति के अनगिनत कांटे जन्म से मृत्यु तक चुभते रहते हैं। आप देखें इधर ये जो कैक्टस के पौधे लगे हुए हैं, आप इसको देखेंगे तो ये दरअसल कब्र हैं, ये दलित समाज के लोगों के शव यहाँ दफनाए गए हैं। आप अलग अलग जगह देखेंगे कैक्टस के पौधे एक मार्किंग के लिए रखे गए हैं कि यहाँ पर ही दोबारा खुदाई ना हो ताकि वो शव बाहर ना निकलें, और इसलिए उसकी मार्किंग करते हुए ये एक कैक्टस के पौधे लगा दिए गए, या जैसे हेतल की कब्र पर हमने देखा कि वो पत्थर रख दिया गया था। दलितों के शमशान घाट में ना चार दीवारी की गई है और ना ही लाइट का कोई इंतजाम है, हर तरफ बस झाड़ियां उगाई हैं। ये जगह अभी भी दलितों के नाम नहीं हुई है, इसलिए विकास का रास्ता दलितों के शमशान घाट की चौखट तक पहुंचते ही खत्म हो जाता है। नरेश हमें दलितों के शमशान घाट को दिखाने के बाद गाँव के दो और शमशान घाट दिखाने के लिए ले गए। होडा गांव में सवर्ण और कुछ ओबीसी जातियों के लिए अलग से शमशान घाट बनाया गया है। तो अभी हम लोग होडा गांव में ही हैं और जिस जगह पर मैं हूँ ये भी एक शमशान घाट है, और ये ओबीसी की कुछ जातियां हैं जिसमें चौधरी और पटेल समाज के लोग हैं, प्रजापति समाज के लोग हैं, वो स्टेट लिस्ट में कई जगह ओबीसी में भी हैं, लेकिन यहाँ उनके लिए अलग से शमशान घाट है, इसमें भी दलितों की एंट्री नहीं है। तो ये सिर्फ इन्हीं जातियों के लिए बनाया हुआ शमशान घाट, उन्होंने जाति के बनाए लिए बनाया है। उन्होंने आप अपनी जाति का बना लिया? हाँ, अपनी जाति का ही बना लिया। अच्छा, और यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा बना हुआ है ना, ये शेल्टर होम, ये बना हुआ शेल्टर और ये टीन शेड बना दिया है इधर पे। बना ही दिया, ये बना दिया है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ उन जातियों के लोग आएंगे जिनका शमशान घाट बना, बाकी लोग नहीं आ सकते? नहीं बीजी, बाकी दलित कुम नहीं आ सकते हैं अंदर, दलित को हम अंदर नहीं आ सकते। अच्छा, और इसमें जो दूसरी अपर कास्ट के लोग हैं जो ब्राह्मण हैं, वो आते हैं इसमें कि उनका अलग है? ब्राह्मण है, प्रजापति है, वो चौधरी पटेल है, वो जाति का है। सवर्ण और ओबीसी के शमशान घाट में टिन शेड, बेंच और चार दीवारी जैसी सुविधाएं हैं, लेकिन दलितों के शमशान घाट में ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती। और ये यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग जाति के शमशान घाट, ये ओबीसी जातियों का कुछ लोग जातियाँ जो हैं उनका शमशान घाट है यहाँ निर्माण है, हालांकि दलित जो शमशान घाट तो उसमें हमने देखा कि कोई इस तरह से निर्माण नहीं है। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये जिग्नेश मेवाणी लिखा हुआ है, जिग्नेश मेवाणी जो वडगाम से दलित सीट से आते हैं, दलित बैकग्राउंड के हैं, उनके ये क्या लिखा हुआ है मेरे को पढ़ के बता सकते हैं? वडगाम नो विकास एज मारो उदय जिग्नेश पे मेवाणी धारा सभ्य श्री 11 वडगाम ने ग्रांट 2019-20 नी। ये जिग्नेश मेवाणी जो विधायक हैं उनके ग्रांट से, उनका पैसा जो सरकारी पैसा मिला है विधायक फंड से, उससे ये लगे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो वो आपके लिए नहीं मिलता? नहीं मिलता है। इसी शमशान घाट के पास एक और शमशान घाट है जहाँ सिर्फ ठाकुर जाति के लोगों का अंतिम संस्कार होता है। ठाकुर जाति के शमशान घाट में किसी और जाति का व्यक्ति मरने के बाद भी नहीं पहुँच सकता। तो अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं, आप पीछे जो शमशान घाट देख रहे हैं, ये दरअसल ठाकुर जाति के लोगों का शमशान घाट है, और इसमें ताला लगा हुआ है, बाड़ लगाई हुई है, ये बाड़ बंदी है कि शायद कोई और आदमी इसमें ना आ सके, इसलिए ये एक्सक्लूसिव है, इसमें और भी कोई जाति का आदमी नहीं आ सकता, सिर्फ ठाकुर जाति के लोग आ सकते हैं इसमें। ठाकुर जाति का ही।
अच्छा, ये ठाकुर वो ठाकुर है जो ओबीसी में आते हैं या जनरल कैटेगरी वाले जो जो क्षत्रिय राजपूत होते हैं वो वाले ठाकुर? नहीं, वो ओबीसी में ठाकुर ओबीसी में ही आते हैं। तो उनके लिए ये अलग से कैसे बन गया? उनको लिए उन्होंने अलग बनवाया था पहले से, जो ठाकुर और चौधरी बड़े थे उन्होंने जाति में ये शामिल किया था आगे से। अच्छा, खुद से अपने फिर अलग अलग उन्होंने बना लिया था। इसमें भी आप लोग नहीं आ सकते, दलित लोग नहीं आ सकते। अच्छा, तो मरने के बाद भी इधर एंट्री नहीं मिलती है। ये देखिए साहब की, इधर भी आप देखेंगे टिन शेड बना हुआ है, बेंच रखे हुए हैं, एक बड़ा सा एक पेड़ है, और ये उसके मुकाबले कहीं की सुरक्षा घेरे में है कि बाड़ लगे हुए हैं पूरे प्रॉपर, यहाँ पर गेट है कि कोई एंट्री उस तरह से ना हो। ठाकुर जाति ओबीसी में आती है और अपने आप को शायद वो दूसरों से अलग मान रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये बाड़ बंदी है, दूसरी जाति के लोगों को एंट्री नहीं है। गुजरात में दलितों की आबादी करीब 7% है, ऐसे में गुजरात से दलित उत्पीड़न की भयानक खबरें सामने आती हैं। होडा गांव की कहानी इस बात का पक्का सबूत है कि कैसे गुजरात का समाज जातियों के हिसाब से बुरी तरह विभाजित है। जीते जी तो जाति भेद होता है, लेकिन मरने के बाद भी हिंदू धर्म की सवर्ण जातियां दलितों को अपने शमशान घाट तक में अंतिम संस्कार नहीं करने देती। ऐसे में सवाल उठता है कि जाति के इस बीमारी का पक्का इलाज कब होगा, कब जातियों में बटा समाज एक होगा। तो ये हमने होडा गांव से आपको दिखाया, जो लोग ये कहते हैं कि अब भारत में सब बराबर हो गए हैं और अब जातिवाद नहीं होता, अब जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता, तो वो आ जाएं। यहाँ वडगाम विधानसभा सीट है गुजरात की, बनासकांठा ज़िला है, होडा गांव है। यहाँ के देख लीजिए कि जाति के हिसाब से कैसे शमशान घाट बटे हुए हैं, हर जाति का अलग शमशान घाट है, और मरने के बाद भी जो जाति है उससे छुटकारा नहीं मिलता। मरने के बाद भी जाति के हिसाब से अलग अलग बांट दिया जाता है, तो जाति के आधार पर बंटने वाला समाज क्या एक मजबूत राष्ट्र बना सकता है, ये भी अपने आप में सवाल खड़ा होता है। और सवाल उठता है कि क्या जाति व्यवस्था से कभी लोग मुक्त हो पाएंगे, क्या मरने के बाद भी जाति को ढोना ज़रूरी है, क्या लोग जाति को नहीं छोड़ सकते। तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि स्कूल में जाके पढ़ो, बरोबर, पढ़ लिख के अच्छे बनो, बरोबर। अभी तो व्यवस्था उसकी अच्छी है, इसलिए। इस रिपोर्ट पर आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। गुजरात के होडा गांव से सुमित चौहान और मोहित कुमार की रिपोर्ट।